तो आज की हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं चार्ट्स को डायनेमिक कैसे करें, मैं चार्ट्स के ऊपर बटन कैसे लगाएं। आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, मुझे इस पे चार्ट बनाना है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं सारा डेटा सेलेक्ट करके अगर चार्ट बनाता हूँ तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि डेटा इस तरह से दिखता है। अब इसमें समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि इसका क्या है। अब यहाँ पे यह है कि मुझे ये नहीं पता करना है कि भाई रवि का सेल मोहन का कविता के बीच में क्या कंपेयरिंग है, हमें बस एक पर्टिकुलर नाम का मंथ की कंपेयरिंग करना है। मतलब मैं यहाँ पे एक एक पर्सन का इंडिविजुअल चार्ट बनाना चाहता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास डेटा कुछ ज़्यादा है, अगर मान लीजिए 50 डेटा है तो 50ों का चार्ट बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो कैसे करें इसके लिए, तो इसके लिए एक छोटा सा मेथड अप्लाएंगे। अब यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं मैनुअली 1 लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे हम ऑफसेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ऑफसेट में मैं रेफरेंस में यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा रो नंबर को इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉलम को 0 कर दिया। अब आगे ड्रैग करना है तो A9 को करूंगा फ्रीज और फिर इसको आगे के तरफ करूंगा ड्रैग और फिर इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट और यहाँ पे हम चार्ट अप्लाई कर दें। अप्लाई हो गया सर। अब चार्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हो तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज कर लीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो मोहन का चार्ट आ गया, 3 डालूंगा तो कविता का। पर प्रॉब्लम यही है कि मैं हमेशा 1 2 3 डालूंगा, पहले मुझे यहाँ देखना होगा नंबर कौन सा है, फिर यहाँ डालना होगा तो मुश्किल होगा। हम चाहते हैं कि यहीं पे चार्ट के ऊपर जो बटन्स है ना, बटन्स के अंदर ही कुछ ऐसा आ जाए। तो डेवलपर टैब में जाना होगा, अगर डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल के अंदर ऑप्शंस में जाके कस्टमाइज रिबन में जाके आप डेवलपर टैब ला सकते हैं। ठीक है, तो डेवलपर टैब लाने के बाद हम यहाँ इसके इंसर्ट में, इंसर्ट जब आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव कंट्रोल दोनों दिखेगा। तो हम फॉर्म कंट्रोल में जो कॉम्बो बॉक्स है इसको लेते हैं यहाँ से और यहाँ से करते हैं ड्रैग, इस तरह से ड्रैग करने के बाद राइट क्लिक और यहाँ पे चला गया फॉर्मेट कंट्रोल और यहाँ इनपुट रेंज। इनपुट रेंज में हम आते हैं और ये जो लिस्ट ऑफ नेम है उसको हमने सेलेक्ट कर दिया और सेल लिंक में हमने यहाँ पे 1 दे दिया। 3D शेडिंग करना चाहे तो 3D शेडिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ कि अब जो है यहाँ देखेंगे लिस्ट आ गई। लिस्ट में जैसे ही पूजा सेलेक्ट करूंगा, पूजा का जो सिक्वेंस नंबर है 1, मतलब इसके अंदर वो डल जाएगा। मोहन डालूंगा तो मोहन का डल जाएगा, कविता डालूंगा तो कविता का डल जाएगा। दिख रहा है सर? तो हो क्या रहा है, जैसे मैं पूजा यहाँ पे मोहन किया, मोहन का सिक्वेंस नंबर 2 यहाँ 4 के जगह पे टाइप हो गया और जैसे यहाँ 2 टाइप हुआ ऑफसेट ने अपना रिजल्ट चेंज कर दिया। क्लियर है? अब चलिए इसमें थोड़ा सा और करते हैं कि मैं यहाँ टारगेट लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? टारगेट। और टारगेट में मैंने यहाँ पे अपने टारगेट सेट कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि टारगेट शो हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स का हमने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ ऑफसेट का फॉर्मूला लगाता हूँ। ऑफसेट हमने इसको सेलेक्ट किया कि अगर ये ट्रू है तो इसको दिखे, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए। नहीं माफ कीजिएगा, ऑफसेट नहीं लगेगा, यहाँ पे इफ लगेगा, मैं गलत कर दिया। इफ यहाँ पे अगर ट्रू है तो ये टारगेट शो हो, नहीं तो ब्लैंक हो जाए। और ड्रैग करने से पहले F9 को फ्रीज करना होगा। हमने फ्रीज किया और इसको ड्रैग कर दिया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, तो इस तरह का दिख गया। बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि टारगेट जब मैं चाहूँ तब दिखे, अदरवाइज ना दिखे। तो यहाँ हम चेक बॉक्स दिख रहा है आपको सर, चेक बॉक्स लेके ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे। और चेक बॉक्स ड्रैग करने के बाद यहीं पे हम कर देते हैं टारगेट। क्या कर दिया? टारगेट। और इसके ऊपर राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल और यहाँ पे 3D शेडिंग के साथ हमने ये ट्रू फॉल्स को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब ऐसा करने से क्या हो गया, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो दिखेगा टारगेट, नहीं क्लिक करूंगा तो नहीं दिखेगा।
क्लिक करूंगा तो दिखेगा, नहीं क्लिक करूंगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है सर, यस सर, यस यस सर, सर, यस। गॉट इट। अब मान लीजिए कि मैं कंपेयरिंग करना भी चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कंपेयरिंग। तो मैं यहाँ हमारे पास इसमें एक लिस्ट, यहाँ पे स्पाइन बटन भी है, यहाँ देखिए स्पाइन बटन, नेक्स्ट प्रीवियस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल। अब इसमें क्या है कि मिनिमम हमारा है यहाँ पे एक, और मैक्सिमम हमारा क्या है, सिक्स है, यहाँ पे सिक्स दे दिया। और ये जो सेल लिंक में जो 1 2 3, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा कि मैं यहीं से नेक्स्ट 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 प्रीवियस 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 का यूज कर सकता हूँ। समझ गए सर? ठीक है ठीक सर। सर सर, इसमें इसमें एक एक पूछूं। पूछू, पूछिए। हेलो। हाँ, ये ये अभी तो अभी तो इसमें इसमें दिख रहा है। दिख अभी सपोज ये मुझे रहा हाईलाइट है, करना करना है, है ये करना है, ऐड करना है, और सिर्फ इसमें ही इसमें ये खेलना खेलना है, है, तो तो क्या क्या कलर कलर चेंज चेंज कर, मतलब करना, इसका फॉन्ट चेंज फॉन्ट चेंज करेंगे, करेंगे, वाइट वाइट वाला, वाला, या कौन सा, उसको इसकी बात कर रहे हैं, किसकी हाइड। बात कर रहे नहीं हैं, नहीं मुझे ये मुझे ये डाटा नहीं डाटा नहीं दिखाना दिखाना है, सिर्फ इसके है इसी पे ही इसी ये पे। करना हाँ है, तो इसको ऐसा आप कहीं समझो। और किसी और सीट पर रख दीजिए, अच्छा या फिर चार्ट चार्ट को उठाइए, उठा के जो है इसके ऊपर लेके, और इसको वाइट कर सकते हैं ना, इसको हाँ इसको फॉन्ट वाइट साइज। कर दीजिए, या इसके ऊपर चार्ट लेकर रख दीजिए, लीजिए हो गया। फिर इसको सही से अरेंज करना पड़ेगा फिर आपको, समझ गए? वो फिक्स नहीं फिक्स होता नहीं है होता क्या है, उसके इसको ऊपर? ग्रुप करना पड़ेगा, नहीं अलग अलग हो गया, ये हाँ। अलग चीज हो गया ना, ये चार्ट अलग है, ये अलग है, तो फिक्स नहीं ना होगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, यस। यही चाहते थे, समझ में आ गया? चलिए, यस। अब इसमें एक चीज हो गया, एक चीज समझ में आ गया आपको। अब इसमें यस। एक आपके जैसे कि लिस्ट बॉक्स, जैसे ये है ना, ऐसे लिस्ट बॉक्स भी होता है। मैं मूव एंड कॉपी करके एक नई फाइल पे आता हूँ। इसी की मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, हाँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और हम कर सकते हैं कि लिस्ट बॉक्स ला सकते हैं, लिस्ट बॉक्स। ठीक है सर, जैसे आपने यहाँ, मैं यहाँ पे 1 डाल दिया, आ गया, नीचे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके चार्ट पर चार्ट बना के लगाता हूँ, इंसर्ट करके। ठीक और यहाँ इंसर्ट, यहाँ पे सर डेवलपर टैब में इंसर्ट, ये आपके सामने दिख रहा है लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स बोथ आर द सेम होते हैं, ठीक है ना? बस लिस्ट बॉक्स में सारा लिस्ट दिखता है आपको, लिस्ट की तरह। तो फॉर्मेट कंट्रोल में जाके इसका भी इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल लिंक में हमने यहाँ दे दिया 3D सेटिंग, क्लिक करूंगा उसी हिसाब से वर्क करें। ओके, अब मैं बात करूंगा कॉम्बो बॉक्स की। कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल क्यों होता है? अब यहाँ पे इसको मैं अपना डेटा थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मुझे डेटा नेम वाइज मेरे पास है, अब मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मैनुअली 1 लिखा और यहाँ ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया कि ऑफसेट, हमने रेफरेंस को सेलेक्ट किया और बोला कि 0 रो एंड 1 कॉलम, और जो 1 कॉलम है उसको फ्रीज करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो जैन 5 का डेटा आएगा। 2 करूंगा तो फैब आ जाएगा, 3 करूंगा तो मार्च आ जाएगा। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, हम मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पाई चार्ट बार चार्ट लिया। ठीक है सर, अब इस बार जो है मैं यहाँ पे
मैं यहाँ पे ये चाहिए हमें कॉम्बो को। ऑप्शन बटन, ऑप्शन बटन, ऑप्शन बटन ने हमने यहाँ पे लिया, इसको ड्रैग किया, यहाँ ऑप्शन बटन में आते हैं, यहाँ देता हूँ जैन, एक को लीजिए, उसकी साइज को अपने हिसाब से अरेंज कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट लिंक पे जाइए, ये पहले वो कर लीजिएगा, 3D कर दीजिए और यहाँ पे लिंक कर दीजिए, एक को कर दीजिएगा, बस आपको नेक्स्ट को क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, इसको राइट क्लिक करके सेलेक्ट करें और इसको कंट्रोल कंट्रोल को होल्ड करते हुए कॉपी कर दें, हो गया आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब सबको आप रिनेम करते जाए, एडिट टेक्स्ट, जैन तो सही है, फैब में एडिट टेक्स्ट यहाँ पे कर दीजिए फैब, या दिक्कत होती है प्रॉपर्टी बार को ओपन कर ले, ठीक है सर। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं इसमें प्रॉपर्टी बार वर्क नहीं करता, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट यहाँ पे कर दीजिए मार्च, एडिट टेक्स्ट यहाँ पे कर दीजिए अप्रैल, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट मई और एडिट टेक्स्ट जून, ठीक है। अब मैं जैन पे क्लिक करता हूँ तो जनवरी का जिला आ गया, फैब पे फैब का, मार्च मार्च का, अप्रैल अप्रैल का, मई जून, ठीक है सर। यस सर, तो ये हम चार्ट पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जो नीचे जो बटन है ये चीजें ये सब आपके वीवीए प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ऐसे नहीं वर्क करता, इस तरह के बटन का इस्तेमाल आप अपने अपने रिपोर्ट्स में कर सकते हैं। और बाकी चार्ट कौन से कितने तरह के चार्ट्स होते हैं वो तो सिंपली आप जानते ही हैं, आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो चार्ट समझ में नहीं आएगा मैं आपको समझा दूंगा, राइट सर। चलिए तो चार्ट का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है।